Hey guys, welcome back to my channel. मेरा नाम संदीप प्रमंडल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लोरिंग एसएमएफ फिशिंग। तो गाइस आप देख पा रहे हो इतने सारे पैकेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पैकेट्स हैं और 8 पैकेट्स में इतने बड़े बड़े फिश के कलेक्शन में करके लेकर आया हूँ। तो मैं ये सारे फिश जो है न्यू कोच बिहार से लेकर आया हूँ। तो आप लोग सर्च कर सकते हो, वहाँ पे एक गोल्डन एक्वाटिक्स करके शॉप है, उसका मैं वीडियो देने ही वाला हूँ कुछ ही दिनों के बाद। तो ये आप देख रहे हो इसमें सारा कलेक्शन जो है मैं वहां से लेकर आया हूँ और अभी मैं आप लोगों को क्लोज दिखाने वाला हूँ। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, फीमेल बेटास वगैरह सब कुछ आया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली रूम सेट हो रहा है, देख पा रहे हो डाइनिंग टेबल आ चुका है। यहाँ पे तीन मैंने जो है फिलहाल एक्वेरियम्स को यहाँ पे सेट कर लिया है, बाकी करेंगे अभी आते रहेगा। तो गाइस पहला मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बेटा जो मैं लेकर आया हूँ, एकदम ब्लू वाला बेटा है, उसमें थोड़ा सा रेड एंड पिंकिश कलर है और ये फुल मून बेटा है एंड टेल भी इसका डबल टेल बेटा है। तो ये काफी महंगा बेटा था, आपको प्राइस वगैरह बाद में बताएंगे, लेकिन आप देख सकते हो इसको डाल के मैं बाद में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको साइड में रख देते हैं। साथ ही में सेकंड में ये छोटा सा बेटा है, लेकिन गाइस ये आप देख पा रहे हो इसका भी डबल टेल्ड वाला बेटा है एंड ये फुल मून बेटा है। ये अभी बड़ा होगा और काफी दिनों से खाना नहीं खाया हुआ है, फीड नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से कलर थोड़ा डल हो गया, लेकिन गाइस डालने के बाद मैं इसका भी सेटअप आपको दिखाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून अगर आप नए हो। एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ मेरा थर्ड बेटा, तो ये भी फुल मून बेटा है। गाइस बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है एंड अभी तो खाना नहीं मिला है, एज यूजुअल फीड ठीक से नहीं मिला इसलिए कलर थोड़ा डल हो गया, बट आप देख पा रहे हो। तो गाइस बताना इन तीनों का कलेक्शन कैसा लगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंगली गाइस जो फीमेल बेटास होता है जो हमें कहीं नहीं मिलता, बहुत ही मुश्किलों से मिला जाता है, तो ये फीमेल बेटास मैं कलेक्ट करके लेकर आया हूँ जो कि सारे हाफ मून एंड फुल मून के फीमेल्स है। आप देख पा रहे हो तो छोटे हैं, तो अब तो मुझे ब्रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन तीनों से हम ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तो कैसा लगा गाइस जरूर बताना। एंड देन जो पैकेट है वो है कॉरिडोरस और ये तो काफी कॉमन है, ये मैं लेकर आया हूँ बॉटम क्लीनर के जैसा। तो आप देख पा रहे हो कि इनकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है, तो इनको भी हम छोड़ेंगे। तो गाइस इन सब पैकेट्स में ये सारे फिश थे, अब हम खोलने वाले हैं ये बड़े पैकेट्स। तो गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं कि इन बड़े पैकेट्स के फिश अभी अलाइव है, क्या हुआ है। स्ट्रेस फ्री सॉल्यूशन डालकर एंड थोड़ा सा खाना डालकर हम लेकर आए थे, 5 आवर्स की जर्नी करके आए हैं, तो लेट्स सी ओपन करते हैं। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट पैकेट है, तो इन्होंने खतरनाक पैकिंग किया था, अभी अभी जस्ट मैंने इसको खोला है और इसमें क्या फिश है देखते हैं, क्योंकि काफी सारे फिश मैं लेकर आया हूँ, तो पहले देखना है कि सारे अलाइव है कि नहीं। तो पहला फिश ओके, बहुत अजीब सा इसमें बास मार, लेकिन सारे के सारे फिश अलाइव है, तो दिखाओ यहाँ पर। तो आई थिंक डालने के बाद ही मैं आपको दिखा पाऊंगा, बट ट्राई करता हूँ। बहुत अजीब सा स्मेल आ रहा है क्योंकि इन लोगों ने इसमें काफ़ी कुछ डाला हुआ था और यहाँ पे सिकलेट्स है सारे और साइज भी काफ़ी सही है, तो इसको मैं एक्लिमेटाइज करने के लिए फिलहाल रख देता हूँ एंड फिर आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस इनको एक्लिमेटाइज करने के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इन सिकलेट्स को यहाँ ट्रांसफर करने वाला हूँ। इसमें 6 सिकलेट्स है और साथ में मेरे 2 या 3 और भी हैं, उनको भी यहाँ पे डाल देंगे। तो गाइस ये सेकंड पैकेट है, तो पैकेजिंग तो काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे, बहुत बढ़िया पैकेजिंग किया है। एंड इसमें आई थिंक पोलर पैरट्स है, 4 पोलर पैरट्स में लेकर आया था और सब जिंदा होंगे ना, यस सारे के सारे जिंदा है, ठीक है। तो इनको मैं ट्रांसफर करके आपको दिखा पाऊंगा, अभी तो दिख नहीं रहा है। तो गाइस ये पोलर पैरट्स है, अभी तो करंट का चेंज हो गया, आप लोगों को पता ही है कि कलर चेंज करते हैं और जैसे ही हम डालेंगे एक्वेरियम में फिर ये एकदम से कलर चेंज हो जाएगा इनका। तो इसमें 4 है, तो ये लेकर आया हूँ, अभी लास्ट पैकेट खोलते हैं। तो गाइस मोस्ट अवेटेड पैकेट खोल रहा हूँ, जिसमें हमारे 4 टाइगर ऑस्कर्स एंड 1 मैंगो ऑस्कर है और बाकी मेरे पास तो लेमन ऑस्कर्स है ही, तो देखते हैं ऑस्कर्स। ओके ऑस्कर्स भी सारे ठीक है, वाओ ओके मैं इनको खोल के दिखाता आपको। तो गाइस यहाँ पे येलो येलो कलर जो आप देख रहे हो वो एक स्ट्रेस फ्री करने के लिए हीलिंग सॉल्यूशन था बाय द वे। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये ऑस्कर्स बहुत ही बढ़िया पैटर्न के हैं एंड साइज भी ठीक है, इनको एक्लिमेटाइज कर देते हैं एंड फिर आपको मैं टैंक में दिखाता हूँ। तो गाइस इनको भी एक्लिमेटाइज कर देते हैं 15 से 20 मिनट एंड फिर इनको डाल देंगे।
गाइस मैंने ये सारे सिकलेट्स को जो है यहाँ पे डाल दिए हैं, और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये छोटे से कंटेनर में क्यों डाला हुआ है। तो गाइस ये सारे सिकलेट्स जो है यहाँ पे 9 टोटल सिकलेट्स है, ओके, इनका कलेक्शन कर रहा हूँ। ये सारे सिकलेट्स हमारे जाने वाले हैं मॉन्स्टर टैंक में, और मॉन्स्टर टैंक का अपडेट 110% गाइस नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। और यहाँ पे 9 है प्लस मॉन्स्टर टैंक में 6 है, तो टोटल 15 सिकलेट्स हमारे मॉन्स्टर टैंक में जाने वाले। साथ ही में गाइस ये सारे मैं न्यू कोच बिहार से लेकर आया हूँ, जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े कलेक्शन है। इसके अलावा मैं बहुत सारी वेरायटी ऑफ जो सिकलेट्स कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टैंक आप लोग को पता है कि बहुत ही बड़ा टैंक है, 5 फीट एंड 2.5 फीट उसकी हाइट है, तो उस टैंक के लिए ये सारे फिश। एंड इसके अलावा कौन से फिश जा रहा है वो दिखाता हूँ, और आपको बहुत मजा आएगा भी। तो गाइज आ चुका है मेरे पास टाइगर ऑस्कर, आप देख पा रहे हो, एंड बताना कि इसकी क्वालिटी कैसी है। एंड मेरे पास एक मैंगो ऑस्कर भी है, साथ ही में मेरे पास 4 लेमन ऑस्कर्स है, और उसमें से अभी 2 है, और 2 के साथ क्या हुआ वो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, मरे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने 2 नहीं रखे। तो टोटल हमारे पास कितने ऑस्कर्स हो गए अभी, 5 + 2 = 7 ऑस्कर्स। एंड नाउ गाइस इन सभी को हम जो है सिकलेट्स के साथ रखने वाले मॉन्स्टर टैंक पर, मॉन्स्टर टैंक से सारी छोटी मछलियां हटा देंगे और हम बिल्कुल बेयर बॉटम रखेंगे, लेकिन विद सम हाइडिंग प्लेसेस। वो वीडियो आने वाला है, और अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो गाइस आप लोग के पास जो भी कमेंट्स हैं इन ऑस्कर्स को देखने के बाद प्लीज बताना, और मैं खुद अभी जो है ब्लू ग्रीन एंड वेल टेल ऑस्कर ढूंढ रहा हूँ, और होपफुली मुझे जल्दी ही मिल जाएगा, और मिलते ही मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। नाउ गाइस आप ये कैनिस्टर फिल्टर देख रहे हो, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स उनको पता होगा ये मैंने सेकंड हैंड में लिया था, और गाइस मैंने ट्राई किया एंड चलने लगा, मुझे पहले लगा कि खराब हो चुका है, और कैनिस्टर फिल्टर मैं एक्स्ट्रा नहीं लगाने वाला हूँ, इसको मैं इसी टैंक में लगाऊंगा, क्योंकि ये 2.5 से 3 फीट का टैंक है, तो इसमें लगाएंगे, इसमें कुछ मछलियां रखेंगे। तो गाइस सजेस्ट करो कि कौन सी फिश रखूं। एंड गाइस फिलहाल मैंने अपने पोलर पैरस चारों को जो इस बकेट में रखा हुआ है, इनको ट्रांसफर करेंगे, इसका अलग से टैंक बनेगा, 1 फीट के टैंक में रख देंगे या 2 फीट के, देखते हैं। तो यहाँ पे 4 है जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल है, एंड इनके कलर्स ये चेंज करते हैं, ये अभी एकदम से इसने अपना कलर चेंज किया है, यानी एकदम व्हाइटिश में है ये, तो आपको पता है ये कितने कलर चेंज करते हैं, एंड इनको भी हम अच्छा ग्रो करवाएंगे एंड ब्रीड करवाएंगे। एंड गाइस सबसे इम्पोर्टेंटली जो मुझे अपडेट देना था वो था ये टैंक का, जो मैंने अपने फ्राइज के लिए तैयार किया है। एंड आप देख पा रहे हो गाइस बाहर रखने के वैसे कितना एल्गी फॉर्म हुआ है, यहाँ पे हम फ्राइज को छोड़ेंगे और उनका ग्रोथ का जो रेट है वो देखना आप। तो मैंने पानी थोड़ा कम कर लिया है यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, एंड अभी और थोड़ा कम करूंगा लाइक यहाँ तक, फिर फुल यहाँ तक मैं दूसरे वाले टैंक से, मतलब जहाँ पेरेंट टैंक है, जहाँ पे इनके पेरेंट्स है, वहां से पानी लाकर यहाँ पे डाल दूंगा एंड अपने फ्राइज को ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल आइवरी ब्लू का पीस के फ्राइज डालने वाला हूँ, यहाँ आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ बाद में। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो 100% आपके कप्पी फ्राइज के जो ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होगा, एंड फ्राइज मरेंगे भी नहीं। तो यहाँ पूरा बेनिफिशियल बैक्टीरिया आ चुका है एंड एल्गी है, तो उनको खाना बहुत बढ़िया मिलेगा। तो गाइस इसका मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि किस तरीके से मैंने ट्रांसफर किया है और कितने दिनों के लिए यहाँ पे रखेंगे, एंड देन प्रोबेबली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना बड़ा हुआ है मेरे फ्राइज, ठीक है। फिलहाल तो गाइस ये 1 वीक के हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, एंड इनका ग्रोथ आप देखिए थोड़े बड़े हो चुके हैं और इनमें फिन्स वगैरह दिखने लगा है, तो इनको जब ट्रांसफर करेंगे तो इनकी ग्रोथ रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और सारे के सारे फ्राइज हमारे बच्चे हुए हैं, एक भी मरे नहीं है, और ये ब्लू आइवरी कप्पीज के बच्चे हैं। एंड गाइस ये वाले फिश फ्राइज को देखिए, ये हमारे दूसरे वाले कप्पी के बच्चे थे, ब्लैक एंड ऑरेंज टाइप का जो कप्पी था उसके बच्चे, तो इसमें कम से कम 20-22 है, एक भी मरे नहीं है, सब हेल्थी है, एंड यहाँ पे भी सारे हेल्थी है। तो गाइस अभी तो पूरा सेट ही कर रहा हूँ, तो ये तो एक्वेरियम हब बनने वाला आप लोगों को पता है, तो फिलहाल तो मैंने इतना सेट किया है और बाकी भी अभी करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे आता रहेगा। तो गाइस कैसा लगा वीडियो बताना, और अगर नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।